हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज का ये व्लॉग है ना, ये ऑलमोस्ट 10:30 बजे 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है सुबह की, जो कि मैंने ब्रेकफास्ट में ना ये रात का जो बचा हुआ आटा था ना, उससे मैंने पिज्ज़ा बना लिया था। बेसिकली रोटी का ही पिज्ज़ा हुआ ये, बट थोड़ा सा चीज़ पड़ा था और उस पर ढेर सारी वेजेस लगा के ना हम सब ने खा लिया था। ये मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, सब ने खाया ये और सबको बहुत अच्छा लगा था, बहुत यम्मी था और हेल्दी भी था ऑलमोस्ट, बिकॉज ये वीट से इसका बेस था और चीज़ था, बस वही थोड़ा सा अनहेल्दी था। इसके बाद मैंने ना आज स्टार्ट किया केमिस्ट्री से फॉर अ चेंज, बिकॉज ना आज बायो पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पूरा दिन वेस्ट ही करने से अच्छा है, पहले तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था स्टडी भी करूँ, पता नहीं क्या हो गया था, आई फील सो लेथार्जिक। देन आई थॉट कि नहीं, आई हैव टू स्टडी, एंड देन मैंने सोचा कि ओके फॉर अ चेंज आज मैं केमिस्ट्री कर लेती हूँ। और पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था ना, ये मुझे करना था बिकॉज ये बेसिक चैप्टर है, इसके बिना जो अदर केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं ना, आगे मैं समझ ही नहीं पाऊंगी। जैसे मुझे पी ब्लॉक करना है, DNF ब्लॉक, वो मुझे समझ नहीं आएंगे इस वजह से। और ये ना मेरा मतलब ऑलमोस्ट मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा वीक पॉइंट भी बोल सकते हो, बिकॉज इनऑर्गेनिक थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, बिकॉज सिर्फ आपको रीड ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। NCERT का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने मॉड्यूल का यूज़ किया था बिकॉज इसमें थोड़ा सा डीपली जो है ना वो समझाया गया, तो ईजिली अगर आप कोई लेक्चर नहीं देख रहे हो ना तो मॉड्यूल से समझ आ जाता है, बिकॉज आपको हर एक चीज़ ना एक्सप्लेन की होती है अच्छे से इन कंपैरिजन टू NCERT, जिसमें बहुत ही जो है ना ऊपर ऊपर से ना दिया होता है। एंड आई पर्सनली फील कि मुझे ना ऑर्गेनिक करने में ज़्यादा मज़ा आता है कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक, बिकॉज इनऑर्गेनिक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और मेरे जो मॉड्यूल था ना पूरा फट चुका है, इसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। इसको मैं चिपकाऊंगी कैसे, या फिर मे बी बाइंड करवा लूँ, बिकॉज अगर ऐसे रहा ना तो ये ऑलमोस्ट मतलब साल के अंत तक तो एकदम ख़त्म ही हो जाएगी ये बुक मुझे लगता है। तो मैं इसको बाइंड करवाऊंगी। एंड आप लोग मुझे ये बताओ कि यार आप लोगों ने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है अभी, जैसे ना इसका यकीन का 3.0 बैच जो है ना वो आने वाला है मे बी 3rd of July से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो ज्वाइन करूँ एज एन ऑनलाइन में, बिकॉज आपको टेस्ट और वो सब के लिए एक ऑनलाइन तो रहता ही है आपके पास। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो ज्वाइन करूँ, बिकॉज अगर मैं अब 2.0 वाला बैच ज्वाइन करूँगी ना तो बैकलॉग बहुत हो जाएगा, और मैं इस बार बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं बैकलॉग से अपना स्टार्ट करूँ, बिकॉज वो आई थिंक पिछले महीने 18th of May से स्टार्ट हुआ 2.0, और अब ऑलमोस्ट 1.5 month का बैकलॉग हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं सीधा 3.0 वाला बैच ही ज्वाइन कर लूँ। एंड आप लोग में से कौन है जिन्होंने अभी एनरोल कर लिया है नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड उसके अलावा जो ऑफलाइन है वो मैं आपको बता दूंगी कि मैं कौन सी जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रही हूँ, आप लोगों ने काफ़ी मुझे सजेशन दिए थे। एंड यार स्टडी के साथ साथ ना आपको अपना जो है ना एकदम हाइड्रेशन लेवल भी अच्छे से बना के रखना चाहिए, पानी पीते रहो ना तो स्टडी ईजिली हो जाती है, और वही जब पानी नहीं पीते हैं ना तो एकदम मूड ड्राई हो जाता है। बिकॉज मैं ना थोड़ा बोल बोल के करती हूँ, जिसमें मैं ऑफकोर्स वॉइस ओवर कर लेती हूँ, आपको वो नहीं सुनता है, बट मैं जब स्टडी करती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा बोल के करती हूँ। इसी वजह से मुझे लाइब्रेरी में भी प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज मन मन में पढ़ना पड़ता है वहाँ पे, और वो मुझसे नहीं हो रहा था। इसी वजह से मैंने लास्ट ईयर ना लाइब्रेरी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1.5 या 2 महीने ही मैं गई थी, बीच में मैंने छोड़ दी थी, बिकॉज मुझे थोड़ा बोल बोल के जो लर्न करने की ना वो आदत है, स्पेशली अगर मैं बायो में बात करूँ और केमिस्ट्री का अगर इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है। तो मेरा ना इसके ये वाला चैप्टर ना कंप्लीट हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। एंड यार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना, जैसे कि मैं हर वीडियो में मेरी बताती हूँ कि मैं मेमोनेट यूज़ करती हूँ, ये ऐप ना इतना ज़्यादा ईजी है ना यूज़ करने में। एंड इसे यूज़ करते हुए ना मतलब मुझे एकदम ऐसा फील होता है कि यार मैं एग्जाम के क्वेश्चन कर रही हूँ। इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें ना ऑलमोस्ट 30,000+ क्वेश्चन हैं, और जिसमें असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन और क्रॉस वर्ल्ड पजल्स, अलग अलग फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका जो लेटेस्ट फीचर है ना, विच इज़ NPCM, ये ना इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है। NPCM यानी कि नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड मीम्स, इसमें ना आपको डिफरेंट डिफरेंट नोट्स मिल जाएंगे हर चैप्टर के, जिससे ना आपको लर्न करने में ना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। आपको पूरा NCERT का जो निचोड़ है ना इन नोट्स के थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद है ना पॉडकास्ट है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपका रीड करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप सिर्फ ईयरफोन्स लगा के इन पॉडकास्ट को सुन सकते हो और आपका पूरा रिविजन हो जाएगा चैप्टर का। इसके बाद है क्रॉसवर्ड पजल्स, आप है ना अलग अलग तरीके से गेम्स, पजल्स
पजल्स की फॉर्म में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरा पर्सनल फेवरेट है मीम्स। जब भी मैं स्टडी करते हुए बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं इन मीम्स को रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये इतने ज़्यादा फन होते हैं ना कि इनको पढ़ते पढ़ते आपका कब रिविजन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इसके बाद है ना मेमोनेट का एक और लेटेस्ट फीचर आया है विच इज़ कॉल्ड क्ल्यू कॉइंस। क्ल्यू कॉइंस में क्या है ना, जैसे फिजिक्स के सेक्शन में आपको ये मिलेगा। बेसिकली एज ए नीट एस्पिरेंट हम सबकी फिजिक्स जो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, बट उसके वीक होने के पीछे ना ऑलमोस्ट 3 रीजंस होते हैं। पहला तो है कि आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, जैसे मेरे साथ होता है बहुत बार कि मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सेकेंड, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि इसमें फॉर्मूला कैसे पुट करें, या फिर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। थर्ड, हो सकता है कि आपने उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी हो जिस वजह से आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। मुझे नहीं लगता इन 3 रीजंस के अलावा और कोई भी रीजन होगा कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। एंड यू नो व्हाट क्या होता है, अगर हम कोई भी बुक या ऐप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो हम उसका डायरेक्ट ना सॉल्यूशन देख लेते हैं या फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं। बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे, बिकॉज ये सही तरीका नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया, आप उसका सॉल्यूशन देख लेते हो, बट अगर वही सेम क्वेश्चन आप एक हफ्ते एक महीने बाद करते हो तो फिर से वो सेम क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, बिकॉज जो भी आपने सॉल्यूशन देखा है ना वो आपने खुद से सॉल्व नहीं किया, आपने सिर्फ देख लिया है, तो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है ना कि परमानेंट मेमोरी में। दैट्स व्हाई मेमोनेट हैज कम अप विद देयर न्यूली लॉन्च फीचर कॉल्ड क्ल्यूज। आप ना अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत करते हो ना, तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो आपको उसमें 3 हिंट मिलते हैं। फर्स्ट होता है कि आपने अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। सेकंड, आपका फॉर्मूला मिस्टेक हुआ है। और थर्ड है आपका अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है। अब आपको ये फाइंड करना है कि आपने ये क्वेश्चन किस रीजन से गलत किया है। अब इन तीनों रीजन्स के लिए आपको हिंट प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि हिंट ना आपको 100 कॉइन्स यूज करने पे मिलते हैं। ये मेमोनेट में ही आपको कॉइन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे आप किसी भी हिंट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको उस हिंट से रिलेटेड ना आपको पूरा समझाया जाएगा और उसके थ्रू आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यानी कि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं, इनडायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। आखिर में सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना होगा। एंड दिस विल ट्रिगर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो धीरे धीरे ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने क्वेश्चन ना खुद ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर आपकी भी फिजिक्स मेरी तरह वीक है ना, और आप भी उसके लिए कोई तो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए कि आपकी फिजिक्स सुधर जाए ना, तो मेमोनेट इज फॉर यू। आप इस ऐप को ना डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन परचेज करना है ना, तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं विच इज KH300। इससे आपको डायरेक्टली 300 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हो, वहाँ से इसे डाउनलोड करो और आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और मुझे जरूर बताना कि इस ऐप ने आपकी कितनी मदद की। एंड हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन जरूर बनाना, बिकॉज इससे आपकी ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ज़्यादा मन नहीं था स्टडी करने का, बट खुद का मन बनाया, थोड़ा सा मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखी, खुद की नहीं किसी और की। एंड नहीं नहीं, संदीप महेश्वरी की वीडियो नहीं देखी है, बिकॉज वो बहुत लेंथी होती है यार, इतना टाइम कहाँ है, हमारा शॉर्ट से ही काम चल जाता है। इसके बाद मैंने ये चैप्टर करने के बाद है ना, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, बिकॉज मेरा सर दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। एंड इसके बाद मुझे फिजिक्स का भी लेक्चर करना था आज। फिजिक्स मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो मेरी फिजिक्स काफ़ी वीक है, तो मैं बेसिक लेक्चर्स देखती हूँ एंड देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती हूँ। बट एज यू ऑल नो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज हर साल क्वेश्चंस चेंज होते हैं, उनका पैटर्न चेंज होता है। बट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि एटलीस्ट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम एटलीस्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बट नए क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉम्पिटिशन ना इतना ज़्यादा हो चुका है ना। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक 2020 में या फिर 2021 में अगर किसी की रैंक 600 मार्क्स पे ऑलमोस्ट 14,000 या फिर 15,000 थी, तो इस साल सेम वो है ना ऑलमोस्ट 29,000 30,000 तक वो रैंक जा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो रही है रैंक। तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और इसी हिसाब से मेरे ख्याल से 24 में ऑलमोस्ट 23 लाख टू 24 लाख स्टूडेंट्स जो है ना ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स जो है ना ऑलमोस्ट 40,000 और 50,000 सी हैं। तो हर एक सीट के लिए लड़ाई करनी है, हर इंसान आपका कॉम्पिटिटर है, इवन मैं भी आपकी कॉम्पिटिटर हूँ, आप सब भी मेरे कॉम्पिटिटर हो। बट इस कॉम्पिटिशन को आई थिंक हमें हेल्दी बनाना है, ना कि कमेंट में किसी को बुरा लिखना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेटेड कमेंट्स मिलते हैं कि टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो यूट्यूब पे वीडियोस बना के, स्टडी कर लो, इस साल भी नहीं होना, तेरा कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके से। एंड काफ़ी बुरा लगता है इन कमेंट्स को पढ़ के, बट फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अगर इतनी फ्री हूँ कि मैं अगर वीडियोस बना रही हूँ, तो तुम भी तो कमेंट कर रहे हो यार, मतलब
तुम मुझे जानते नहीं हो एंड मेरे बारे में इतना गलत बोल रहे हो। आपके एक हेटेड कमेंट से ना मेरा पूरा दिन किस तरीके से जाता है मुझे पता है, मतलब ये बट अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में काफ़ी बुरा लगता था बट अभी काफ़ी आदत हो चुकी है एंड बुरा भी लगता है कि बोल रहे हैं, फिर सोचती हूँ कि यार मुझे कुछ नहीं उनको लिखना है, लिखने दो उनको, बोलने दो मुझे, मेरे काम से उन्हें जवाब देना है। मैं अपना नीट में सिलेक्शन करके उनको दिखा के जवाब देना चाहती हूँ। मैं फेस रिवील भी इस वजह से नहीं कर रही बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो नीट में उस दिन मैं अपना फेस रिवील करूँ एंड होप सो वो दिन बहुत जल्दी आएगा। एंड बस यही कहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हेट कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे, मतलब हेट से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं। हम सबका सपना होता है कि हम डॉक्टर बने, लेकिन टेंथ में आने के बाद बहुत से लोग वो फील्ड चूज़ ही नहीं करते इस डर से कि 10 साल लग जाएंगे और ड्रॉप ले लिया तो 3-4-5 ड्रॉप हो जाएंगे, उसके बाद 10 साल देना, तो इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो यार टाइम लेके कहाँ जाओगे? अगर आपको 10 साल देके या 15 साल देके भी अगर आपको अपने लाइफ की खुशी मिल रही है, ऐसी खुशी जो आपकी फैमिली को खुश कर रही है, आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रही है, और आप एटलीस्ट आपको जब सो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है लाइफ में, तो आई थिंक वो 10-15 साल आप वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, वो एकदम आप यूटिलाइज़ कर रहे हो। और ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है डेफिनेटली। आज मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर ये सब बोल रही हूँ, छोड़ो ये सब, बस यही कहूँगी कि पीसफुली रहो यार सभी आपस में एंड कोई भी हेट मत दो, बस यही कहूँगी। या मूविंग ऑन, मैंने जो है ना फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, यूनिट एंड डायमेंशन, काफ़ी बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज बेसिक अच्छे से करूँगी। मैंने वेक्टर वाला ऑलरेडी कर लिया था पोर्शन एंड ये लेक्चर ऑलमोस्ट 1.5 आवर का था एंड इसके बाद भी मैंने जो है ना एक और लेक्चर अटेंड किया था बट मेरे फ़ोन की ना बैटरी एकदम डेड हो चुकी थी जिस वजह से आगे का पोर्शन शूट नहीं हो पाया था। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस, होप यू लाइक दिस। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।